खरमास से जुड़ी पौराणिक कथा। संस्कृत में खर शब्द का अर्थ होता है गधा। पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर वह कहीं भी रुक जाते तो पूरा जनजीवन ही ठप हो सकता था। ऐसे में वह अपने घोड़ों के साथ लगातार चल रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही उनके घोड़े थक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। ऐसे में अपने घोड़ों की ऐसी दुर्दशा देखकर सूर्य देवता उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब के पास सूर्य देवता को 2 गधे यानी कि खर नजर आए। इसके बाद सूर्य देवता ने उन दोनों गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और अपने घोड़ों को आराम करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। जब रथ में गधों को जोड़ा गया तो रथ की गति काफी धीमी हो गई, लेकिन जैसे तैसे करके 1 मास का चक्र पूरा हुआ और इस दौरान सूर्य देवता के घोड़ों ने आराम से विश्राम और खाना पानी कर लिया। कहा जाता है कि 1 महीना पूरा होने के बाद सूर्यदेव ने दोबारा अपने घोड़ों को रथ में लगा लिया और अब यही क्रम पूरे साल भर चलता रहता है और इसी समय को खरमास कहा जाता है। यदि वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।